शांति। 31 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। बच्चे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है, ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान के पॉइंट्स अंदर टपकती रहे, ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है, राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। सेकंड पॉइंट, अपना पोता मेल देखना है। मैं बाप के समान प्रेम का सागर बना हूँ। अपना पोता मेल देखना है कि मैं बाप के समान प्रेम का सागर बना हूँ। कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। अपनी चलन पर पूरी नज़र है, अपनी चलन पर पूरी नज़र है। आज की मुरली का वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। विश्लेषण है, हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की, इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आज की मुरली का स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योगदान,
वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। ओम शांति।